हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है आपने। इन केस अगर आप स्किप करेंगे तो काफ़ी कुछ मिस कर देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, मैं आपको एंड तक आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें, और हमको मोटिवेशन मिल जाया करे हर बार एक नई वीडियो बनाने की। ओके दोस्तों, और इनकेस वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और कॉमेंट करके बताया भी कीजिए। ओके दोस्तों, दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत अमेजिंग सेटिंग बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने एयरप्लेन मोड का नाम सुना होगा, फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। आप अपने एयरप्लेन मोड को ऑन करके इनकमिंग कॉल को, आउटगोइंग कॉल को रोक सकते हैं। आप ना उस अगर एयरप्लेन मोड ऑन है तो आप ना उससे कॉल कर पाएंगे, ना आप पर कोई कॉल आ पाएगी। लेकिन दोस्तों, इसका खामियाजा क्या होता है, आप अपने मोबाइल से कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन। जो नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आपका एयरप्लेन मोड ऑन है फिर भी आप नेट यूज़ कर सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, यूज़ करके एयरप्लेन मोड होने के बावजूद, ऑन होने के बावजूद आप यूज़ कर सकते हैं अपना इंटरनेट। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके दोस्तों, आपको क्या करना है, दोस्तों आपको आपके फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। ओके दोस्तों, जैसे ही आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अबाउट फ़ोन में आ जाना है। अबाउट फ़ोन में आने के बाद दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग सेटिंग है, इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों, थोड़ा बहुत कभी कभी टाइम लग जाता है, अबाउट फ़ोन में आ जाते हैं। दोस्तों अबाउट फ़ोन में आने के बाद एक सेटिंग आपको मिलती है जो कि है ऑल स्पेक्स, जिसे बोलेंगे ऑल स्पेसिफिकेशन। ओके दोस्तों, इस पर आने के बाद आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्लिक नहीं करना है आपको। ओके दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा नेट चालू है और मैं अब एयरप्लेन मोड ऑन करने वाला हूँ। मैंने कर दिया, मोबाइल डेटा बंद हुआ, कॉल नहीं आएगी, कॉल नहीं जाएगी। ओके दोस्तों, अब क्या होगा, अब मैं कैसे नेट चलाऊँगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों ऑल स्पेसिफिकेशन के अंदर इंटरनल स्टोरेज का। ओके दोस्तों, यहाँ पे मुझे टैप करना है। मुझे देखिए दोस्तों, 4-5 बार टैप करना पड़ा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2, वाईफाई इन्फॉर्मेशन। अब मुझे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन 1 पे टैप करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसे बोले कि मोबाइल रेडियो पावर। ओके दोस्तों, अब ये चीज़ डिपेंड है पूरी तरीके से इस पे कि आपका नेट चलेगा कि नहीं। ये सेटिंग ऑफ है, मैं इसे करूँगा ऑन, ये फिर ऑफ हो जाएगी, मैं फिर ऑन करूँगा। ओके दोस्तों, अब ये ऑन हो चुकी है, इसको आपको एक दो बार ट्राई करना होगा। एयरप्लेन मोड चालू है दोस्तों, देख सकते हैं ऊपर आइकन आ रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब मैं जाता हूँ गूगल पर, गूगल से कहने का मतलब है गूगल क्रोम पर। ओके दोस्तों, अब मैं जैसे ही गूगल क्रोम पर आता हूँ, अब मैं कुछ चीज़ सर्च कर सकता हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं एयरप्लेन मोड अभी भी चालू है। चलिए, IPL चल रहा है तो IPL की पॉइंट टेबल पर नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, नेट चालू है, एयरप्लेन मोड चालू है, नेट चालू है। कैसे पॉसिबल हुआ ये, सिर्फ एक सेटिंग की मदद से। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं एयरप्लेन मोड चालू होने के बावजूद? तो देखा दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा कितने इजी तरीके से आप एयरप्लेन मोड चालू होने के बावजूद भी अपना नेट चला सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है समझ में आया होगा किस तरीके से ये सेटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। ओके दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा देना। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ, नई नई ऐप्स के साथ। ओके दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो वर्थ इट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।